हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, सो स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। कि जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक सैम्पल क्वेश्चन डाला है कि ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया इज, ओके, ऑप्शन से TGA, सीडेस्को, MHRA और अनविसा। ओके, सो पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको ये रेगुलेटरी एजेंसी का जो राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स फार्मासिस्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल, GPAT एंड ड्रग इंस्पेक्टर मटेरियल्स आर अवेलेबल। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 9016312020 to get these study materials. So first of all, let's check about the list of drug regulatory agency or drug regulatory bodies. So first one is the US FDA in a USA, EMEA in a European Union. Next is the International Conference on Harmonization, जिसको हम कहते हैं ICH. Then MHLW in a Japan. Then सीडेस्को इन ए इंडिया, MHRA इन UK, TGA इन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज MCC इन साउथ अफ्रीका, अनविसा इन ए ब्राज़ील, SFDA इन चाइना, स्विस मेडिक इन ए स्विट्ज़रलैंड, KFDA इन कोरिया, MOH इन ए श्रीलंका एंड हेल्थ कैनेडा इन ए कैनेडा। सो ये जो है वो वेल नोन रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो रेगुलेट करते हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट US FDA से। ओके, US FDA इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA और US FDA इज ए फेडरल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, वन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स। इट्स हेडक्वार्टर्स इन ए सिल्वर स्विंग इन मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट। सो जो यूनाइटेड स्टेट की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है US FDA। नेक्स्ट इज द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। ओके, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA इज ए यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर द evaluation of medicinal products. Prior to 2004, it was known as the European Agency for the Evaluation of Medicinal Product or European Medicines Evaluation Agency EMEA. So its headquarters in a London, United Kingdom. Next is the CDSCO. CDSCO in a India. So Central Drug Standard कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एंड GPAT वगैरह के एग्जाम्स में, कि सीडेस्को इट मींस के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। इसका हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली, इंडिया। नेक्स्ट इज द TGA। TGA इट मींस थेरापिटिक एंड गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द थेरापिटिक गुड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, जीन टेक्नोलॉजी एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज द MHRA इन ए UK एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इन ए लंडन। सो MHRA फुल फॉर्म इज द मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, इज एन executive agency of the Department of Health and Social Care in the United Kingdom, which is responsible for ensuring that medicine and medical device works and are acceptably safe. Okay, so jo medicines and healthcare product regulatory agency MHRA in a UK, uska headquarters aapko yaad rakhna hai in a London. Next is the MCC. ओके, द मेडिसिन्स कंट्रोल काउंसिल। द मेडिसिन्स कंट्रोल काउंसिल जिसको हम कहते हैं MCC इज ए
statutory body that regulates the performance of clinical trials and a registration of medicines and medical devices for use in specific diseases. And its headquarters is Pretoria, South Africa. Next is the ANVISA. Okay, ANVISA. ANVISA in a Brazil. Brazilian Health Regulatory Agency. Okay, in Portuguese it is called Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. It means ANVISA is a regulatory body of the Brazilian government and headquarters are located in a federal district of Brazil. Next agency is the MHLW, Ministry of Health and Labor and Welfare in a Japan. So the ministry provides the regulations on a maximum residue limits for agricultural chemicals in a food, basic foods and drug regulations, standard for foods and food additives, etc. And its headquarters in a Tokyo, Japan. Similar levels, another agency also works in a Japan. It is a PMDA. It means Pharmaceutical and Medical Devices Agency in a Japan. So the Pharmaceutical and Medical Agency is a Japanese governmental organization similar in a function to the Food and Drug Administration FDA in a United States. जो FDA जैसा काम करता है same PMDA काम करता है in a Japan. उसका भी हेडक्वार्टर से इन्हें टोक्यो जापान. नेक्स्ट इज द ICH, द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन. ओके, ये ICH का लोगो है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन. टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज इज एन इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कस साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन. मतलब कि जो मेनली जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, ओके, फॉर ह्यूमन यूज, उसका इनिशिएटिव के लिए, उसके सक्सेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जो है वो मेनली ICH जो है काम करती है. ओके, नेक्स्ट इज SFDA. ओके, SFDA इट मीन्स स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट फूड एंड Drug Administration was founded on the basis of the former State Food and Drug Administration. It is in a China. So in March 2030, the regulatory body was rebranded and reconstructed as the China Food and Drug Administration, elevating it to ministerial level agency. And its headquarters jo hai wo hai in a Beijing, China. Jo Beijing jo hai shahar वहां पे उसका हेडक्वार्टर से इन्हें चाइना. सो SFDA, स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्हें चाइना, जो अभी CFDA एंड SFDA जो है उसके नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट, इट इज अ स्विस मेडिक इन ए स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है स्विस मेडिक. नेक्स्ट इज KFDA इन ए कोरिया. KFDA का फुल फॉर्म आपको फाइंड करना है एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वो आपको सेल्फ एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उसका. नेक्स्ट इज द MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन ए श्रीलंका फॉर ड्रग रेगुलेशन एंड हेल्थ कैनेडा इन ए कैनेडा. सो ये थे सब वेल नोन एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच वर्क्स फॉर द सेफ्टी ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ ए ड्रग एंड इट्स various medical devices. So thank you friends for watching. Message to join our WhatsApp group, send your name and city name and WhatsApp it to 94261-80836. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of PharmaRocks, the way of success, on his WhatsApp number 9016312020 to order the study material booklets. So thank you friends for watching. Subscribe the channel and press on bell icon. And never miss to like our videos and must comment your valuable suggestions.